सोरठिया अलका, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जो रेसिपी, इसका नाम है सेव खमनी। सेव खमनी बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है चना दाल। मैंने एक कप चना दाल लिया है और इसे 8 घंटे तक भिगो कर मिक्सचर में क्रश कर लिया है। और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स जो कि हम हर रोज़ किचन में यूज़ करते हैं। तो ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 150 ml ऑयल लिया है। कंपेरेटिवली इसमें ज़्यादा ऑयल पड़ेगा, ऑयल का टेस्ट इसे रिच बनाता है। मस्टर्ड दाना और जीरा, लाल मिर्च और तेजपत्ता डाल रही हूँ जो इसका टेस्ट बढ़ाता है। करी पत्ता डाल रही हूँ। हींग, मैंने 2 टेबलस्पून मिर्ची, आदू और गार्लिक की पेस्ट डाली है। इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि ये पूरा स्प्रेड हो जाए। अब इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करती हूँ कलर के लिए। अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब इसमें हमारा चना दाल जो हमने भिगो कर पीसा है इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे 12 से 15 मिनट तक पकाना होगा। बीच बीच में इसे हिलाते रहना जरूरी है ताकि कढ़ाई पकड़ ना ले। बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये चिपक ना जाए। अब इसे ढक्कन से ढक देती हूँ। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर ले। टेस्टी बनाने के लिए नींबू का रस डाला है मैंने और जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और तब तक हमें इसे हिलाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और पूरा पानी चल जाए। ये हमारी सेव खमनी रेडी हो गई है। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे अनारदाना, सेब और कोरिएंडर लीव से गार्निश कर लेते हैं। इसे आप किसी भी वक्त बनाकर खा सकते हो।